घर बैठे पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है डेटा एंट्री वर्क। इंडिया में 75% ऐसे जो डेटा एंट्री वर्क काम करवाती है, तो वो तो काम तो देती है, मगर आपको काम देने के बाद आपसे उल्टा पैसे लेती है, तो आपके ऊपर केस करने की धमकी देती है। तो सूरज, मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिससे आप जहां पे आप डेटा एंट्री का काम करके पूरी दुनिया से पैसे कमा सकते हैं। सूरज, मैं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप डेटा एंट्री वर्क करके पूरी दुनिया से आप पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। करने के लिए आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके भी आप इस पेज पे आ सकते हैं, या अपने ब्राउज़र में टाइपिंग कीजिए peopleperhoward.com.in तो भी आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने पीपल पर हावर्ड की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर दुनिया भर से लोग काम कराने के लिए आते हैं, और जो फ्रीलेंसर है वह यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। तो इस पे आप देख रहे हैं कि कितने यहाँ पे बिजनेस है, कितने फ्रीलेंसर है और कितने इस पे पैसे कमाए गए हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे कि ऐसे फ्रीलेंसर हमको ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रीलेंसर आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, तो सिंपली आप यहाँ पर फेसबुक अकाउंट से यहाँ पर आप साइनअप कर सकते हैं, या यहाँ पर देख रहे हैं कि साइनअप विथ ईमेल, तो यहाँ पर आप ईमेल के द्वारा भी साइनअप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सिंपली ईमेल के द्वारा बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ईमेल के द्वारा ऑप्शन आ गया है, तो सिंपली यहाँ पर फर्स्ट नेम डालिए, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर जो आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और जो पासवर्ड है वो डाल के यहाँ पर आपको साइनअप करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये पॉपअप ओपन होकर आ चुका है। यहाँ आप पासवर्ड सेव कर सकते हैं या नेवर, चलिए हम नेवर कर सकते हैं, कर दिए। इसके बाद आपको अपने ईमेल को वेरीफाई करना होगा, तो सिंपली आप अपने ईमेल यहाँ से ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीपल पर आवर की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइए, देख रहे हैं यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन, सिंपल आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस जो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपने बारे में यहाँ पर लिखें, तो यहाँ एडिट वाले ऑप्शन जाकर यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर अपने बारे में यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब अपना जॉब टाइटल डाल दीजिए कि आप काम क्या करते हैं। इसमें आप डाल दीजिए वेब डेवलपमेंट, डेव डेवलपमेंट, डेटा एंट्री, ट्रांसलेशन, जिस तरह के भी आप काम करते हैं वो सब आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। तो इससे पहले अगर आपका कोई कंपनी है तो यहाँ सिंपली अपना कंपनी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कंपनी नेम, कंपनी साइज, जॉब टाइटल, तो चलिए हमारा कंपनी नहीं है तो हम लोग पर चूज करके यहाँ पर अपना जॉब टाइटल भी डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है वेब डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर, डेटा एंट्री, ट्रांसलेशन, ग्राफिक डिजाइनर। इससे ये होगा कि आपके जो काम हो आएगा ना, उस इससे रिलेटेड ही आपके पास काम आएगा। आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, ये पब्लिक को शो नहीं होगा। ये जो आपका फ़ोन नंबर है कस्टमर सपोर्ट के लिए है, इसका सिंपली आप इसमें से अपना इंडिया चूज कर लेंगे और अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आप अपने परवर रेट डालेंगे, तो आप एक घंटे के कितने लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम डॉलर चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम सिंपली डाल देते हैं $7। इसके बाद आपको यहाँ पे एक कवर इमेज लगानी होगी, तो आप यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आप जो कवर इमेज रखा हुआ है वहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसमें ऐड कर लेंगे। तो कवर इमेज सेलेक्ट करके यहाँ सिंपली ओपन कर देना है, यहाँ पे आपका कवर इमेज ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से देख रहे हैं कवर इमेज यहाँ पर ऐड हो गई है, तो इस तरीके से आपका भी कवर इमेज ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे कवर इमेज देख रहे हैं कि ऐड हो गया। यहाँ पे आप बोला कि अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए, तो आप भी सिंपली यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके जहाँ प्रोफाइल पिक्चर वहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर लगा सकते हैं। तो सिंपली आप देख रहे हैं कि ये अपलोडिंग हो रहा प्रोफाइल पिक्चर, तो आप इसी तरीके से प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। तो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो गई। अब अपने पास जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर डिटेल में लिख देना है। एक बात आप समझ लीजिए, पेपर पर आवर पर आपका प्रोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा आपको काम मिलेगा। इसके लिए अपने बारे में जो भी डिटेल डालनी है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डालिए। यहाँ पे जॉब टाइटल में आप सभी काम डाल दीजिए जो भी आप जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे कवर इमेज एक बढ़िया सा लगाइए, इसके बाद अपना प्रोफाइल पिक्चर बढ़िया सा लगाइए, और आपके पास जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो यहाँ पे कुछ डिटेल में यहाँ पे टाइपिंग कर दीजिए अपने हिसाब से।
इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर दीजिए, जो भी आपने काम किए हैं, जो भी आपने बनाया है। तो ये आखिर ये ऑप्शनल है, इसको आप नहीं भी डालिएगा तो भी आपका चलेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 70 फाइल अपलोड हो सकता है जिसकी साइज है 100 MB। तो आपको ये आपको इसमें अपलोड कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आपको काम मिलता है तो वो पोर्टफोलियो के देख के ही मिलता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें जो भी पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं या जो भी काम किए हैं तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मैं पोर्टफोलियो अपलोड कर दिया हूँ, आप ही यहाँ सेलेक्ट करके जो भी फाइल है वो फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके अपनी स्किल्स डालनी है कि आप क्या क्या काम करते हैं। तो सिंपली यहाँ एडिट पर जाएंगे और यहाँ पर अपना स्किल डाल देंगे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं वेब। जैसे आप टाइपिंग कीजिए तो ये सर्चिंग करना स्टार्ट कर, देख लीजिए। तो इसलिए आप इसे डालिएगा, ये सर्चिंग करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 3 जो आपको काम आता है वो 3 ही डालना है। तो यहाँ पर सिंपली आप सोच समझ के डालिएगा आपका काम क्या करते हैं, आलतू फालतू नहीं डालिएगा इसमें। इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं ऐप, ये सर्च करेगा और कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ सिंपली आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं डेटा एंट्री। ये सर्च करेगा और कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो आप सिंपली इसमें से आप चूज कर लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई मैक्सिमम 3 ही डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल दिया वेबसाइट डिजाइनिंग, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डेटा एंट्री। इसके अलावा भी आपके पास कोई स्किल है तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ग्राफिक, ये कुछ इस तरीके से सर्चिंग करेगा आपको आ जाएगा। तो सब मुझे डाल देते हैं ग्राफिक डिजाइन। इसके बाद हम लिख देते हैं लोगो। इसके बाद हम लिख देते हैं इसमें बिजनेस कार्ड। तो आप इस तरह से इसमें 12 मैक्सिमम डाल सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि लैंग्वेज स्किल है, आप जो भी लैंग्वेज में आप जानते हैं तो वो लैंग्वेज वहाँ पर चूज कर लीजिए। जैसे हिंदी, इंग्लिश या जो भी आप जानते हैं वो यहाँ से आप टाइपिंग कर दीजिए। तो इसमें हम डाल लेते हैं हिंदी। तो वो इस तरह से इसमें सर्चिंग हो रहा है और इस तरह से आ गया, सिंपल उसे क्लिक कर देना तो इस तरह से ये लैंग्वेज ऐड हो जाएगा। इसके बाद और भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें हम डाल देते हैं इंग्लिश, आपका इस तरह से सर्च कर लेगा। आप इस तरह सिंपली आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपसे कोई और लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर सिंपली टाइपिंग करके डाल सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा काम मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट डालेंगे। यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं 8। तो इसमें से आप स्क्रॉल करके नीचे जाइए, इसमें से आप चूज करते रहिए आपको क्या सब आता है। तो सिंपली आपको इसमें डाल देना है। तो इसमें आप इस तरीके से अपना एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे CV, सर्टिफिकेट, कंप्लीट कोर्स जो कि यह हुआ, वो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको ब्राउज पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ से चूज कर लेंगे और देखिए ये अपलोडिंग होना हो गया है और देखें ये अपलोड भी हो चुका है। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपकी जो स्किल है ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपका कोई रेफरेंसेस देनी होगी। यहाँ पे आप फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई आपके पास लिंकेड अकाउंट है वो भी आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं, या इसके बाद यहाँ पे नीचे अपना कोई वेबसाइट भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे आपको डालना है कि अगर आपके आसपास कोई काम आ जाता है तो आप कितने माइल्स में जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 माइल डाल देता हूँ कि इतना हम ट्रैवल कर सकते हैं। इसको सिंपली यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर डालने होंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप डाल दीजिए, यहाँ पे आप डाल दीजिए कि बायर आपके ऊपर भरोसा क्यों करे कि आपको उसको क्वालिटी वर्क दोगे। मतलब जो भी आपसे काम करवाएगा वो आपके ऊपर भरोसा क्यों करे कि आप उसको अच्छा काम दोगे। और दूसरा आप इसमें डाल दीजिए कि आपने पास्ट में ऐसा क्या किया है जो आपके एक्सपर्टीज को प्रूफ करता है। और तीसरा इसमें डाल दीजिए कि आपके अंदर ऐसा स्पेशल क्या है जो आपको दूसरे फ्रीलांसर से अलग बनाता है। और फोर्थ यहाँ पर आप डाल दीजिए पीपल पर आवर से काम करने के लिए क्यों चूज किया है। तो आप शॉर्ट में यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे आपको ओके कर देना है। तो आपकी एप्लीकेशन जैसे ही अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद ही आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अप्रूव करने के लिए आप जो है यहाँ पे एक फास्ट ट्रैक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको फास्ट ट्रैक पे एक ही दिन में आपके अप्रूव हो जाएगी, बट आपको यहाँ पर $13 देनी होंगी। और दूसरी है यहाँ पे बेसिक जो 7 डे में आपकी अप्रोक्सीमेटली अप्रूव हो जाएगी, जो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्री है। तो यहाँ पे हम फ्री वाला चूज कर लेते हैं और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब एप्लीकेशन यहाँ रिव्यू में है, आपके को 7 डेज इसमें टाइम लगेंगे। 7 डेज के अंदर अंदर आपके एप्लीकेशन को आपके प्रोफाइल के अनुसार अप्रूव या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक बार जैसे ही आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव हो जाती है तो आप यहाँ पे बहुत ही बिंदास तरीके से काम कर सकते हैं और आप पैसे कमा सकते हैं।
यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेगा। तो आप सिंपली यहाँ प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, जो भी आपने कवर लगाया या चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कवर पर जाकर यहाँ इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो आ गया। यहाँ ऐप से आप अपने नाम वगैरह का एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी एक्सपर्टीज है वो आपकी यहाँ पर शो होगी, और आपने अपने बारे में जो भी लिखा है वो यहाँ पर शो होगी। इसके बाद यहाँ रीड मोर पर जाके और भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि आपने क्या डिटेल में लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक करके आप अपना यहाँ पोर्टफोलियो देख सकते हैं। बायर भी आपका यही पोर्टफोलियो देख के आपको काम देता है। तो पोर्टफोलियो देखता है यहाँ पे आपको काम देने से पहले, तो आप जो भी एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है, आप जो भी पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं वो अपने यहाँ पे बहुत अच्छा वाला पोर्टफोलियो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, जिससे आपको जल्दी काम मिले। आप एक घंटे के कितने पैसे लेते हैं वो यहाँ पर आपके शो होंगे, और जो भी आप स्किल में डाले हैं वो आपके यहाँ पर शो होते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको फ्रीलांसर एक्टिविटी का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना एक्टिविटी देख सकते हैं। जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे प्रोजेक्ट में शो होंगे, और जो आप यहाँ कर देंगे वो यहाँ कंप्लीट में शो होंगे। अगर कोई भी आपसे काम करवाना चाहता है तो उसका इन्विटेशन यहीं पे शो होगा, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑनलाइन चैट कर सकते हैं। अगर आपके पास काम नहीं आता है तो यहाँ आप यहीं से देख रहे हैं कि फाइंड ए प्रोजेक्ट, तो यहीं से प्रोजेक्ट को फाइंड भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर फाइंड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ढेर सारा प्रोजेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि आ चुका है। तो इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक प्रोजेक्ट है जो अर्जेंट है, और यहाँ पर देखिए कि लेगिंग एग्रीमेंट जो भी इसका जो प्राइस है, यहाँ फिक्स प्राइस यहाँ दे रखा है $260 है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि अर्जेंट है नेविगेशन व्यू डेवलपमेंट नेक्स्ट अर्जेंटली, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि $10 per hour का यहाँ पर दे रखा है। अगर आप इस काम को करेंगे तो आपको $263 मिलेंगे, अगर आप ये काम को करेंगे तो आपको पर आवर आपको मिलेंगे $10 per hour। और दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिख रखा है कि वर्डप्रेस सिक्योरिटी एक्सपर्ट। यहाँ देख रहे हैं कि कम्युनिटी यहाँ 3 hour पहले ये अपलोड हुआ है, और यहाँ देख रहे हैं $263 यहाँ पे आपको फिक्स प्राइस है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं अगर आपके स्किल्स में आता है तो वहाँ यहाँ से आप अपने काम को यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वर्डप्रेस सिक्योरिटी एक्सपर्ट बहुत ही आसानी से यहाँ पर बना सकता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंड प्रपोजल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जिसने भी ये वर्डप्रेस सिक्योरिटी एक्सपर्ट काम किया है बनवाने का, उससे आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। यहाँ पे देख रहे हैं आज के क्वेश्चन पे आप इससे क्वेश्चन करके डायरेक्ट इससे पूछ सकते हैं, इस काम के बारे में आप इसे डायरेक्ट करके चेट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंड प्रपोजल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपकी एप्लीकेशन रिव्यू में है, जैसे ही ये अप्रूव हो जाती है, जैसे ही ये अप्रूव हो जाएगी तो आप इनको प्रपोजल भेज सकते हैं। काम करने के बाद आप यहीं पे ऑनलाइन सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको यहीं पे ये पेमेंट करेंगे, जो कि आपका यहाँ प्रोफाइल पेमेंट जो है आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपका एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है, यहाँ पे हम डाल लेते हैं नेम ऑफ फर्स्ट पीरियड, यहाँ पे आपको एक कोई भी जो आंसर आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद डालने का यहाँ पे आपको सिंपली कर देना आपको सबमिट। इसके बाद आप जितने भी पैसे आप कमाते हैं वो सब यहाँ पे आपको शो होते हैं। पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए आप यहाँ पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो आप यहीं पे अपने पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं कि आपको पेमेंट लेने कैसे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विड्रॉल अकाउंट पे, यहाँ पे हम एडिट वाले पे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि ऐड योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे पेपल अकाउंट है, पायनियर अकाउंट है, और एसी बैंक अकाउंट है, या डायरेक्ट बैंक अकाउंट है। और ये जो देख रहे हैं ACH जो बैंक है डायरेक्ट, ये USA के लिए यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि USA ओनली, तो ये USA के लिए है। तो सिंपली हम यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो कंट्री हमारी आ गई है यहाँ इंडिया, हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना बैंक डिटेल फिल कर दीजिए, पहले यहाँ पे अपना बैंक का नाम डालेंगे, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, जैसे मैं कि यहाँ डाल देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप अकाउंट होल्डर का पूरा नाम टाइप कर देंगे, जो भी उसका नाम है। इसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। इसके बाद यहाँ पे आपको डालना है सिप कोड, अगर सिप कोड आपको पता नहीं है सिंपली यहाँ पर सर्च कर दीजिए। तो इस तरीके से हम डाल देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिप कोड, सिंपली हम इसे सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, HDFC बैंक का सिप कोड। आप देख रहे हैं कि ये सिप कोड यहाँ पर आ चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो आप सिंपली इसको आप यहाँ से इसको कॉपी करके आप डाल सकते हैं अपना सिप कोड।
अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने ब्रांच में जाकर भी स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। इसके बाद नीचे अपना जो भी एड्रेस है वो फिल कर देना है, सिटी डाल देना है, पिन कोड आपको डाल देना है, यहाँ पे कंट्री आप यहाँ पे चूज कर लेना है, कौन से कंट्री में, जो भी कंट्री का है तो वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे सो आपका बैंक डिटेल ऐड हो चुका है। अब अपने एप्लीकेशन का अप्रूव होने का वेट करना है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आप यहाँ पे सिंपली अपने फ्रीलांस एक्टिविटी में आएंगे और यहाँ से अपने जो भी साइट है वहाँ से आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद बहुत ही आसानी से आप अपने जो आप देख सकते हैं कि आपका जो अप्रूव हुआ या नहीं वो बहुत आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अप्रूव होने के बाद अपने प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी प्रोजेक्ट को बहुत ही आसानी से यहाँ से अपना जो चूज करके इस पर वर्क कर सकते हैं। और जो भी आप करना चाहते हैं बस यहाँ पर सेंड कोड पर क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन अप्रूव होते ही यहीं से आप प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। जो भी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा वो वहाँ से आप ऑनलाइन चैट करेंगे, यहाँ से जाके ऑनलाइन चैट करेंगे और बहुत ही आसानी से आप काम ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप काम करेंगे और आपको यहाँ पैसा मिल जाएगा, जो भी जिसका भी आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। इस तरीके से आप पैसे डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे पूरी दुनिया से लोग काम देते हैं, तो आपको पोर्टफोलियो अच्छा बनाना होगा ताकि आप जो भी पर्सन है वह आपको काम दे और आप उस काम को बहुत ही आसानी से करके उसे दे दे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो डेटा एंट्री का वर्क आप किसी से भी करवा के उसे दे सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी ये वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं।